11 नवंबर 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। करोड़ों बहनों को मिलेगा दिवाली का तोहफा, सीएम ने किया बड़ा ऐलान। लाडली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। दिवाली से पहले राज्य सरकार लाडली बहनों को दिवाली का गिफ्ट देने जा रही है। आचार संहिता लगी होने की वजह से इस बार हर बार की तरह सम्मेलन का बिना आयोजन किए लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के खाते में छठी किश्त भेज दी जाएगी ताकि बहनें दिवाली का त्यौहार खुशी खुशी मना सकें। हर बार की तरह इस बार भी सभी महिलाओं के खाते में 1250 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगी। धनतेरस पर इंदौर के बाजारों में बरसा धन, एक दिन में 1000 करोड़ रुपए का कारोबार। 5 दिवसीय दीप पर्व का पहला दिन बाजारों के नाम रहा। आरोग्य और संपन्नता के शुभ दिन धनतेरस पर पूजा अर्चना के साथ शगुन की खरीदारी का दौर भी चला। सराफा बाजार से लेकर बर्तन बाजार, एमजी रोड, एबी रोड से लेकर शहर के हर बाजार में खरीदी करने निकले लोगों की भीड़ नजर आई। धनतेरस के इस खास दिन इंदौर के बाजारों में करीब 1000 करोड़ रुपए की बिक्री का अंदाजा लगा। 5 दिन में 1 लाख लोगों तक पहुंचा, नहीं होंगे वोटर कार्ड, 35 डाकघरों में छुट्टी के दिन भी होगा काम। मतदाता परिचय पत्र में संशोधन कर लोगों को नए वोटर कार्ड दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नए कार्ड घर तक भिजवाने की व्यवस्था की गई। निर्वाचन कार्यालय से मिले नए कार्ड को बांटने का काम डाक विभाग को सौंपा है। इंदौर जिले के 4.5 लाख कार्ड मतदाताओं तक पहुंच गए। अगले 5 दिनों के भीतर विभाग को 1 लाख मतदाताओं को कार्ड देना है। प्रदेश के 28,000 शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाने में रुचि नहीं, 16,000 ने ही खरीदा टैबलेट। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को हाईटेक बनाने की दिशा में स्कूल शिक्षा विभाग प्रयास कर रहा है ताकि विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा सके। प्रदेश के 44,000 गणित, विज्ञान व अंग्रेजी विषय के उच्च माध्यमिक शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के निर्देश 11 जुलाई को दिए गए थे, लेकिन अभी तक 16,000 ने ही टैबलेट लिया है। 4 माह बीतने के बाद भी अब भी 28,000 शिक्षकों ने टैबलेट खरीदने में रुचि नहीं दिखाई, यानी हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बनने से पहले बढ़ेगी एयरपोर्ट की सुरक्षा, नया बल मांगा। राजा भोज एयरपोर्ट को अगले साल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। अथॉरिटी ने इसके लिए सीआईएसएफ का अतिरिक्त बल मांगा। जल्दी इमिग्रेशन चेक प्वाइंट भी खुल जाएगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने के प्रयास होंगे। लाइब्रेरी पोर्टल पर विद्यार्थियों के पंजीयन से उच्च शिक्षा विभाग चिंतित, कॉलेज प्राचार्यों को जारी किए निर्देश। उच्च शिक्षा विभाग के एनआईसी द्वारा निर्मित और संचालित ई ग्रंथालय लाइब्रेरी ऑटोमेशन एप्लीकेशन पर विभिन्न विषयों की ई बुक्स उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन विभाग के द्वारा की गई समीक्षा में ग्रंथालय पोर्टल पर पाया गया कि विद्यार्थियों के पंजीयन बहुत कम हुए। ई बुक्स के अधिक से अधिक उपयोग के लिए ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का पंजीयन आवश्यक है। त्यौहार पर मिलेगी भरपूर बिजली, कंपनी ने तैनात किए अफसर। दीपावली त्यौहार को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने कई चरण में तैयारियां की। बिजली सप्लाई निर्बाध रहे इसके लिए जोन कार्यालयों पर सहायक प्रबंधक से लेकर उप महाप्रबंधक की ड्यूटी लगाई गई। महाप्रबंधक शहर वृत्त नितिन मांगलिक ने उप महाप्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि वो उप केंद्रों की निगरानी कर कर्मचारियों की ड्यूटी व्यवस्था बनाए रखने को तैनात रहेंगे। दिसंबर तक पूरा होगा स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट। लश्कर क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में चल रहा स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन का स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट अब दिसंबर में पूरा हो जाएगा। कॉरपोरेशन ने 16 किलोमीटर लंबाई के इस प्रोजेक्ट में से मई माह में 10 किलोमीटर लंबी 14 सड़कों को हटा दिया। ऐसे में इस प्रोजेक्ट का स्कोप छोटा हो गया, लेकिन बाकी की सड़कों पर पीएचए की पाइपलाइन के चलते बार बार खुदाई की समस्या बनी हुई है। अखिल भारतीय बार परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि फिर बढ़ी, अब 16 नवंबर तक भर सकते हैं फॉर्म। अखिल भारतीय बार परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि एक बार फिर से बढ़ गई। पहले इस परीक्षा के लिए फॉर्म जमा करने की तिथि 10 नवंबर थी, इसे बढ़ाकर अब 16 नवंबर कर दिया गया है। यानी परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभिभाषक 16 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एमपी में 10 दिन तक बंद रहेंगे स्कूल, कब से कब तक रहेगी छुट्टी जानिए। मध्य प्रदेश में दिवाली को लेकर स्कूल्स की छुट्टियां कल से शुरू हो गई। शुक्रवार से शुरू होने के बाद अब अगले लगभग 10 दिनों तक सरकारी स्कूल्स में छुट्टी रहेगी। दिवाली के अवसर पर स्कूल्स में 15 नवंबर तक छुट्टी की घोषणा की गई। चुनाव के चलते एमपी के सरकारी स्कूल में अब पढ़ाई 20 नवंबर से संभव हो पाएगी। हालांकि अभी ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। कांग्रेस की फिर सरकार बनने और कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने का दावा किया। भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व दस्यु मलखान सिंह का अपनी पूर्व पार्टी के लिए गुस्सा उनकी बातों से साफ नजर आ रहा है।
दद्दा मलखान सिंह भिंड की मेहगांव विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह भदौरिया के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी चर्चा की। उन्होंने इस बार चुनाव के रुख में कांग्रेस की एक बार फिर से सरकार बनने और कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने का दावा किया। राहुल का पीएम पर निशाना, कहा मोदी के दिमाग से जाति गायब, हमारी सरकार आते ही कराएंगे जाति जनगणना। मध्य प्रदेश के सतना जिले में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिमोट कंट्रोल अदाणी के हाथ में है। मध्य प्रदेश को 53 अफसर चलाते हैं, इनमें सिर्फ एक अफसर ओबीसी है। अगर मध्य प्रदेश का बजट 100 रूपये है तो ओबीसी अफसर सिर्फ 33 पैसे पर निर्णय लेता है, मतलब आबादी 50% लेकिन भागीदारी 100 रूपये में से सिर्फ 33 पैसे। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी सख्त कार्रवाई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ सीहोर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। विधानसभा निर्वाचन के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने और कानून व्यवस्था तथा लोक शांति बनाए रखने के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सोशल मीडिया पर प्रसारित की जाने वाली आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने पर प्रतिबंध लगा दिया। भाजपा का संकल्प पत्र आज होगा जारी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे विमोचन। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आज शनिवार को जारी होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर में 12:30 बजे मिंटो हॉल में जारी करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष जयंत मलैया, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित रहेंगे। भाजपा के नेता संकल्प पत्र को कांग्रेस के वचन पत्र का जवाब बता रहे हैं। 14 नवंबर को छिंदवाड़ा आएंगे योगी आदित्यनाथ, चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में कर सकते हैं रोड शो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा आ सकते हैं। उनका दौरा कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इस बार भाजपा ने पूर्व सीएम कमलनाथ की घेराबंदी करने के लिए अलग योजना बनाई। यहां केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अलावा कई दिग्गज नेता आ चुके हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को लेकर भी कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। भाजपा से जुड़े सूत्रों की माने तो 14 नवंबर को योगी आदित्यनाथ छिंदवाड़ा में रोड शो कर सकते हैं। केंद्र पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे लाने के पक्ष में, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती। हम पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में हैं, लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती। जीएसटी काउंसिल पेट्रोल डीजल पर टैक्स की दर तय कर दे, हम उसी दिन उसे लागू कर देंगे। भाजपा हमेशा पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में रही। ये देखना चाहिए कि इसे रोकने वाला कौन है। प्रियंका गांधी को चाहिए कि वे कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहें कि वे जीएसटी काउंसिल में आकर इसकी मांग करें, लेकिन वे ऐसा नहीं करती। भोपाल में केबीसी की तर्ज पर कौन बनेगा वोटर नंबर 1, कल हॉट सीट पर बैठे मतदाता। प्रदेश में इस वक्त विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। 17 नवंबर को मतदान होगा। इस बार शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कई प्रयास व नवाचारी प्रयोग किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए आमंत्रण पत्र जारी किया, तो वहीं दूसरी तरफ जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा कौन बनेगा वोटर नंबर 1 कार्यक्रम में मतदाताओं से सवाल पूछे जाएंगे। भोपाल इंदौर मेट्रो तक पहुंचे, यहां सिटी बस सेवा तक नहीं। ग्वालियर भले ही प्रदेश के 4 महानगरों में शामिल है, लेकिन महानगरीय सुविधाओं से अभी वंचित है। किसी भी महानगर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी सार्वजनिक परिवहन महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, लेकिन यहां इसके सुध लेने वाला कोई नहीं। प्रदेश के 2 महानगर भोपाल और इंदौर में जहां मेट्रो के संचालन का ट्रायल तक हो चुका है, इन शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए बसेस की भी सुविधा है, लेकिन ग्वालियर में सिटी बस सेवा के संचालन की सारी कवायद ठंडे बस्ते में जा चुकी है। इंडिगो की बड़ी परेशानी, अगली तिमाही से 40 विमान नहीं भर सकेंगे उड़ान। डोमेस्टिक एविएशन मार्केट की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की परेशानी बढ़ गई है। इंडिगो के 40 एयरक्राफ्ट अगली तिमाही से शायद उड़ान नहीं भर पाएंगे। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इंजन देने वाली कंपनी प्रैट एंड विटनी से इंजन पाउडर मेटल के मुद्दे के कारण जनवरी से मार्च की तिमाही में इंडिगो के 35 विमानों का संचालन बंद हो जाएगा। देश की 1 इंच भूमि लेना भी नामुमकिन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भारत चीन बॉर्डर पर प्लान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के दुश्मनों के लिए भारत की 1 इंच जमीन लेना भी नामुमकिन होगा। देश के हिमालय सरहदों में हिमवीरों की तैनाती की वजह से हर देशवासी सुरक्षित महसूस करता है। देहरादून में आईटीबीपी मुख्यालय में आईटीबीपी के स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार ने 7 आईटीबीपी बटालियन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। हमास आतंकियों का बनेगा काल, इसराइल ने उतार दिया खास ड्रोन।
हमास और इसराइल के बीच जंग लगातार जारी है। हमास को शिकस्त देने के लिए इसराइल हर संभव दांव आजमा रहा है। इस कड़ी में उसने अब हमास के खिलाफ अपना सबसे अहम हथियार उतार दिया। इसराइल का यह हथियार है एक खास ड्रोन जो हमास आतंकियों के लिए काल साबित हो सकता है। निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाला यह ड्रोन हमास लड़ाकों को उनके सबसे सुरक्षित ठिकानों से भी ढूंढ निकालेगा। काउंसलिंग के बाद भी भारत में 1445 मेडिकल पीजी सीट्स खाली। दी प्रिंच को मिली जानकारी के अनुसार तीन दौर की काउंसलिंग के बाद भारत भर के मेडिकल कॉलेजेस में कुल 1445 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स अभी भी खाली पड़ी हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने छात्रों के द्वारा प्रवेश में रुचि न दिखाने के कारणों की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित करने की सलाह दी। एनटीए ने जारी किया जेईई मेन 2024 एस्पिरेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 12वीं में है 75% से कम तो नहीं दे सकेंगे परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2024 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स आधिकारिक वेबसाइट gmain.nta.ac.in से आवेदन कर सकते हैं। जेईई मेन जनवरी परीक्षा के लिए 30 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। एनटीए ने जेईई मेन 2024 एग्जाम शेड्यूल के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जारी कर दिया है। लाडली बहनों के साथ खरीदी करने सराफा बाजार पहुंचे सीएम शिवराज। धनतेरस के दिन पूरा देश खरीदी करने बाजारों में उमड़ पड़ा है। बाजार में चारों ओर बर्तन से लेकर सोना चांदी खरीदने लोगों की भीड़ है। वहीं मध्य प्रदेश में भी बाजारों में काफी रौनक दिखाई दे रही है। इसी सिलसिले में अपनी जनसभा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी के साथ खरीदारी करने सराफा बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने चांदी का सिक्का खरीदा। सिक्के में गणेश और लक्ष्मी की फोटो छपी है। वहीं इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में लाडली बहनें भी मौजूद रहीं। लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना अब बनेंगी लखपति बहना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बालाघाट जिले की वारा सिवनी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना के बाद अब लखपति बहना आएगी। उन्होंने कहा कि स्व सहायता समूह की बहनों के माध्यम से ये करूंगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।